आज की जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कटिंग वटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती है। ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी आपने जो सूट बनाई थी उसे पहन करके दिखाइए। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आज की हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजर है उसमें हम एक भी कट नहीं लगाने जा रहे हैं बल्कि इसे केवल फोल्ड करके बनाएंगे। इसके लिए मैंने कपड़े के एक पीस को लिया है और इसके बीच में मैंने मोटे कपड़े को अटैच कर दिया है। इसकी जगह हम बुकरम, आटले की थैली या किसी भी तरीके की चीज़ को अटैच कर सकते हैं। इसका जो मेज़रमेंट है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। हम चाहे तो कपड़े को सभी तरफ से सिल करके उल्टा पलट सकते हैं, इसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं, इसके किनारों को स्टिच कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पर व्हाइट कलर की चौड़ी पट्टी को अटैच करने वाली हूँ चूंकि ये कपड़ा मेरे पास में ऑलरेडी है। पट्टियाँ जो है बिल्कुल सीधी अटैच हो इसके लिए पहले से ही मैं स्केल से लाइनें खींच रही हूँ। लेस भी अटैच करना हो तो यदि हम इसी तरीके से स्केल से सीधी लाइनें खींच लेंगे तो हमारी लेस भी बिल्कुल सीधी अटैच हो। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच पे लाइनें ड्रॉ की है और इतनी ही चौड़ी मुझे पट्टियाँ लगानी है। इसके किनारों पे पट्टियों को अटैच करने के लिए मैं 5 इंच चौड़ी पट्टियों की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से फोल्ड भी करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि इतना झंझट नहीं लेना चाह रही हूँ तो बस इसके किनारों को मोड़ लें। इस तरीके से लाइनिंग करने के बाद जब हम लेस या बॉर्डर अटैच करते हैं तो वो बिल्कुल सीधी आती है। बस इस लाइन पे कपड़े को एडजस्ट करते हुए मैंने पूरे में सिलाई चला ली। अब ऑर्गेनाइजर बनाने का जो ये प्रोसेस है इसे बिना कट किए हुए हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा ये जो कपड़ा है इसे हम 4 भागों में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कपड़े के 4 भाग हो गए यानी कि इसके 4 कॉर्नर्स बन गए। अब इस तरीके से इसका जो पहला भाग है हम यहाँ से कोण बनाते हैं। देखिए इस तरीके से ही कोण बनाना है। अब हम इसे बैक साइड पीछे की तरफ पलट देंगे और बैक साइड में भी हम बिल्कुल उसी तरीके से कॉर्नर बना लेते हैं। इसी कपड़े से दोनों तरफ हमने कॉर्नर बना लिया। अब देखिए हमें कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच पलटना है। पलटने के बाद इसे दोनों किनारों से इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हम बचपन में कागज़ की नाव बनाया करते थे। अब ऊपर से हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। सेम यही प्रोसेस हमें दूसरी तरफ भी दोहराना है। फिर से मैंने कपड़े को इस तरीके से पलटा, दोनों तरफ से फिर उसी तरीके से फोल्ड किया, ऊपर वाले भाग को भी एक बार ऊपर से फोल्ड किया। बिल्कुल सिंपल मेथड है, एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखने पर समझ आ जाएगा। चूंकि इसे हमने फोल्डिंग मेथड से बनाया है तो ये डायरेक्ट ओपन करने पे खुल जाएगा। ओपन करने से पहले किसी भी चीज़ से इसे अच्छी तरह सिक्योर कर ले ताकि ये खुले नहीं। मेरे सामने ये क्लचर पड़े थे तो मैंने इसमें क्लचर लगा दिया। बस इतना ही सिंपल है हमारे इस ऑर्गेनाइज़र को बनाना। आप देखिए इसे इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़ते हुए हम ओपन कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद मैंने इसे हाथों से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मोटी वाली सुई को यूज़ किया है और इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से स्टिच कर दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कटिंग किए हुए हमने यहाँ पे मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है जिसे हम अपने घर में मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कपड़े, बच्चों के टॉयज़, किसी भी तरीके की चीज़ को रखने के लिए बहुत ही कम एफर्ट में ये बन करके तैयार हो जाता है।